पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश में एमएलए और एमपी इलेक्शन से पहले हो रही है अब नोटों की बारिश। मतलब ये हुआ कि इलेक्शन को अभी पूरे 42-43 दिन बाकी रह गए हैं, मगर उससे पहले अनअकाउंटेड लाखों व करोड़ों रुपए नेट कैश बरामद हो रहा है, जिसका एक ताज़ा वाकया रायलसीमा रीजन के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ताड़ीपत्री में पेश आया, जहाँ पर पुलिस ने 3 लोगों इंक्लूडिंग 2 लेडीज को गिरफ्तार करके इनके पास से 1,34,00,000 रुपये की भारी रकम को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस जराये ने कहा कि ये तीनों लोग ताड़ीपत्री बस स्टैंड के पास सस्पिशियस हालत में घूम रहे थे कि अचानक इनको रोककर इनके सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को इनके पास से बैग में से 1,34,00,000 रुपए की भारी रकम पर मुश्तमिल 500 रुपए के नोट्स वाले बंडल्स बरामद हुए और फिर गिरफ्तार किए गए इन लोगों की शेख मस्तान वाली ज़ैनबुन्निसा रशीदुन्निसा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। शेख मस्तान वाली वहां का एक मशहूर मारूफ ज्वेलरी का बिजनेसमैन होता है, जिसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है या नहीं मालूम न हो सका, मगर इलेक्शन के वक्त इतनी भारी रकम को लेकर 2 औरतों के साथ क्या कर रहा था वो भी नहीं मालूम हुआ। लेकिन आप और हम सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो चुका है और किसी भी आदमी को 50,000 रुपए नेट कैश से ज्यादा अमाउंट साथ में लेकर जाना मना है, मगर फिर भी मस्तान वली के जैसे लोग ऐसे काम आकर के भारी रकूमात को पकड़वा दे रहे हैं। मस्तान वली को अगर नोटा खर्चा करने का उतना ही शौक था तो हमको तो भी बुला लिया होता तो अच्छा रहता था। फिर भी इस मामले पर आप सबका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।